नमस्कार, वंस अगेन प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस मॉर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ अंतारा आई वेलकम ऑल द एल्डर्स ऑन दिस वेरी स्पेशल सेशन टू स्पीक अबाउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा रेलिवेंट इशू फॉर द एल्डर्स। I will have a few slides and then I will open the platform for any questions and suggestions. My talk will be both in English and Hindi and Punjabi and whatever language I know. मैं हमेशा अपना प्रोग्राम और अपना प्रेजेंटेशन इस स्लाइड से शुरू करता हूँ जो कि Either make me the host or keep everybody on silent, please. It's very disturbing when there is noise from behind. So, मैं ये शेयर कर रहा था कि हमारा जो पर्पस है वो एल्डर्स को सक्षम बनाना, एम्पावर करना कि वो अपना ख्याल रख सके, क्योंकि ख्याल रखने में, कोई भी काम करने में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर एल्डर को हम सक्षम बनाएं कि वो सही समय पे और सही फैसले ले पाए अपने ख्याल, आज का ख्याल रखने के लिए और आने वाले समय के लिए। सो देयरफॉर हमारा मिशन इज टू मेक इंडिया एन एज फ्रेंडली कंट्री। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स इन ओल्डर पीपल। अगर मैं ये टॉपिक आपको कहूं कि प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स, तो एक तो आप समझ जाएंगे कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एल्डर्स में फॉल होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम सेइंग वी आर प्रिवेंटिंग बिकॉज द इंसिडेंस ऑफ फॉल्स इज हायर इन एल्डर्स। अगर इंसिडेंस कम होता तो हम किसी चीज को प्रिवेंट नहीं करते। अगर पेट्रोल में आग लगने की आपको ज्ञान नहीं होगा तो पेट्रोल से आग ना लगे आप क्यों प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे। सो प्रिवेंशन इज, हम क्यों चर्चा कर रहे हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि हमें पता है कि हर एल्डर को रिस्क है फॉल का। कुछ आंकड़े आपको बताने के लिए कि फॉल्स का मसला एल्डर्स के लिए कितना सीरियस और सिग्निफिकेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि लाइफ टाइम में 28 से 35% लोग एक बार अपनी लाइफ में जरूर गिरते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम मिनिमम 35% पीपल जो 65 इयर्स के ऊपर हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम वो जरूर गिरते हैं। चोट कितनी लगी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे डू फॉल। एंड दूसरा फैक्ट, गिरने की वजह से जो मेन कॉज ऑफ इंजरी एल्डर को डिसेबल कर देती है वो फॉल्स है। एक वाक्या, एक गिरने का एक्सपीरियंस एक एल्डर को हो जाए, लाइफ टाइम के लिए उनको डर पैदा हो जाता है। एंड वंस ए पर्सन फॉल्स दी सिवेरिटी, कितनी ज्यादा चोट लगेगी, इट वेरीज एनीवेयर बिटवीन 40 to 60% जो होते हैं वो माइनर रैशेस या छोटे छोटे चोट के साथ निकल जाते हैं, लेकिन सीरियस चोटें भी फॉल्स के साथ लगती हैं। और सीरियस कैसे, अगर 100 एल्डर्स गिरते हैं तो 70% के करीब लोग, एल्डर्स को कोई ना कोई चोट लगती है, और चोट ऐसी कि उसमें से एक चौथाई हिस्से जिनको चोट लगी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। सो दे रिक्वायर हॉस्पिटल केयर आफ्टर एन इंजरी। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छे भले एल्डर हैं, चल फिर रहे हैं, छोटी सी वजह से चोट लगी तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। इट इज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। सबसे एक और फैक्ट, अपने पोर्टफोलियो में एक बार गिरने के बाद कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ आए फंक्शनल डिक्लाइन,
Mr. Nanda, please mute yourself. No, I'm sorry, it is somebody else. Anyway, so please mute yourself. Thank you. So functional decline, गिरने के बाद जो elder अच्छे भले तरीके से अपनी रोज कार्यक्रम को दिनचर्या कर रहे थे, उस दिनचर्या के करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है एक छोटी सी चोट की वजह से। और लास्टली किसी भी चोट की वजह से सोशल और फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। तो देखिए एक छोटी सी चोट की वजह से एक एल्डर की लाइफ में कितने सारे इंपैक्ट आते हैं। सीरियस इंजरीज में 95% ऑफ ऑल हिप फ्रैक्चर्स इन एल्डर्स 65 इयर्स के ऊपर, अगर कूल्हे की हड्डी टूटती है तो 95% टाइम्स वो गिरने की वजह से होता है, बाय ए फॉल, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर। और 100 फीसदी लोग एल्डर्स जो कूल्हे की हड्डी की टूटने की वजह से उनको अस्पताल में या घर में दाखिल होना रहना पड़ता है, आइदर एट होम और एट नर्सिंग होम। एंड लास्ट जो फिगर है उसका सुन के बहुत डर लगना चाहिए आपको कि 25% लोग एल्डर्स जिनकी कूल्हे की हड्डी टूटती है वो विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो जाती है, जो कि अदरवाइज नहीं होनी चाहिए थी। ए फिट एल्डर अगर उसको हिप फ्रैक्चर हो जाता है, 100 में से 25 लोग एक साल के अंदर दे डाई, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ ए फॉल। एंड देयरफॉर ए स्मॉल फॉल और अ बिग फॉल हैज इकोनॉमिक कॉस्ट्स फॉर एन एल्डर, चाहे छोटी भी चोट हो, क्योंकि आना जाना कम हो जाएगा, दिनचर्या की क्षमता कम हो जाएगी, तो दैट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एन एल्डर। ये स्टेटमेंट प्लीज ध्यान से पढ़िए, हर एल्डर को रिस्क है गिरने का, हर एल्डर को गिरने का रिस्क, लेकिन चांस कुछ लोग कुछ एल्डर्स को है। सो दैट देयर इज अ डिफरेंस, ये थोड़ी फर्क है, रिस्क मुझे गिरने का है लेकिन चांस कितना है कि मैं गिरूंगा, ये दोनों में अंतर होता है। अब रिस्क और चांस में क्या चीज बदलती है, ये मैंने आप आज आपके साथ चर्चा करना है कि रिस्क हर एल्डर को है लेकिन रिस्क का चांस में बदलने के लिए क्या चीजें हैं जो एक एल्डर की लाइफ में ऐड हो जाती हैं, जो कि रिस्क होने के साथ गिरने के चांस को भी बढ़ा देता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, आज हम उनके बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर दी रिस्क फॉर फॉल्स। रिस्क इज जैसी जैसी एजिंग होती है आपके मसल्स की ताकत कम हो जाती है, एंड दैट कॉजेज ए कंडीशन कॉल्ड फ्रेलिटी। ये शब्द बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बहुत ही कम एल्डर्स को पता है कि ये फ्रेलिटी क्या होती है, यहां तक कि बहुत कम डॉक्टर्स को भी पता नहीं कि एल्डर्स में फ्रेलिटी एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। आई विल कम, थोड़ा सा मैं फ्रेलिटी के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। दूसरी चीज जो एल्डर्स में हो जाती है, इनएक्टिविटी होने से, चलना फिरना जब कम कर देते हैं वॉलंटरली, किसी बीमारी की वजह से नहीं, खुद ही अपना फैसला करते हैं नहीं नहीं अब तो मुझे ना कम चलना चाहिए, उसकी वजह से चलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड गेट, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा एक जोड़, ये रीढ़ की हड्डी है और ये हमारा हिप का जॉइंट है, इसकी जो एंगल है वो बहुत फिक्स्ड है। आपने देखा जब मिस्त्री दीवार बनाता है तो गुनिया लटकाता है, इसी तरह कुदरत ने भी हमारा गुनिया बनाया हुआ है, अगर ये गुनिया बिगड़ जाएगा तो आपके गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज, किसी भी एल्डर को कोई भी क्रॉनिक बीमारी साथ में आ गई, डायबिटीज, सांस की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, उसका चांस ऑफ फॉल
बढ़ जाता है। लास्टली एल्डर्स में एक बहुत बिग चैलेंज आता है, वो चार स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हर कोई स्पेशलिस्ट अलग अलग दवाई लिख देता है, एल्डर कंफ्यूज होके चारों की दवाइयां खाता है इकट्ठी, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी। कई दफा चारों प्रिस्क्रिप्शंस में एक ही दवाई होती है, तो वो चार गुना दवाई खाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, दैट कॉजेज मेजर साइड इफेक्ट्स, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी। अब मैं आता हूं उस पहली कंडीशन को जिसको जिसकी वजह से रिस्क होने के साथ चांस ऑफ फॉलिंग बढ़ाने वाली जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है उसको हम कहते हैं फ्रेल्टी। फ्रेल्टी कमजोरी नहीं है, फ्रेल्टी इज नॉट वीकनेस, फ्रेल्टी इज रिकॉग्नाइजेबल स्टेट ऑफ इंक्रीज वल्नरेबिलिटी। ये टेक्निकल वर्ड है, ध्यान से सुनिए। हम पहचान पाते हैं कि इस एल्डर पर्सन को गिरने की चांस वल्नरेबल है, ये ज्यादा गिरने के चांस है इनको, उसकी वजह से एज एसोसिएटेड डिक्लाइन इन रिजर्व एंड फंक्शन, मेरी काम करने की क्षमता, चलने की क्षमता उस फ्रेल्टी की वजह से कम हो जाती है, इस लेवल तक कम होती है कि मुझे डे टू डे काम करने में मुश्किल होती है, और अगर कोई सडनली स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो देखिए, एक फ्रेल्टी ब्लैक एंड व्हाइट इशू नहीं है, इसमें मिली हुई चीजें आती हैं, और इसीलिए ये डायग्नोज नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर्स भी इसको ध्यान से समझते नहीं है और एल्डर को वार्निंग नहीं देते हैं। अब देखिए, जो कंडीशंस डार्क में ब्राइट कर रखी हैं, हर एल्डर समझेगा कि ये चीज तो ना उम्र का तकाजा है, चलने की रफ्तार स्लो हो जाना। कितने लोग हैं जो इसको बीमारी मानते हैं, मानते ही नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जी, आस्ते ही चलना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। नो, वो फ्रेल्टी का लक्षण है। नॉर्मल फिट इंसान सडनली फील करता है कि मैं थोड़ा सा चलता हूं थक जाता हूं, हार्ट की वजह से नहीं, फेफड़े की वजह से नहीं, बाकी सारी बीमारियां फिट हैं, उसके बावजूद 4 किलो वजन 2 साल में कम होना बगैर कई अटेम्प्ट किए, मतलब मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मेरा वजन कम हो, उसके बावजूद मेरा वजन कम हो, उसको हम फ्रेल्टी मानेंगे। सो फ्रेल्टी एक अलग एंटिटी है, इट डज नॉट कम इन कमजोरी, न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिन कम है, नो, वो सारी चीज ठीक करने के बावजूद व्हेन देयर इज वीकनेस दे कैन बी फ्रेल्टी। अब मैं एक ये टेस्ट शेयर कर रहा हूं जो कि आप घर पे कर सकते हैं, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, केवल स्क्रीनिंग। आपको शक हो सकता है कि हाँ मुझे फ्रेल्टी हो सकती है, मैं अब जाके चेकअप कराऊं। वेरी सिंपल मेथड, आप एक कुर्सी पे बैठेंगे, अपने फोन पे या घड़ी पे स्टॉप क्लॉक को स्टार्ट करेंगे। स्टॉप क्लॉक को मतलब वो जो टिक 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 सेकंड्स में चलती है, अगर आप 7 times 7 दफा बगैर सपोर्ट लिए एक कुर्सी से खड़े होके बैठ सकते हैं 30 सेकंड्स के अंदर अंदर, तो क्या टेस्ट है, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है? गेट अप एंड सिट डाउन बगैर आर्म्स की सपोर्ट किए 7 दफा इन लेस देन 30 सेकंड्स। तो अगर आप 7 दफा उठे बैठे लेकिन 40 सेकंड में उठ के बैठे, तो इसका मतलब आपको फ्रेल्टी की तकलीफ की चांसेस हैं। दूसरा तरीका है 50 सेकंड आप 10 सीढ़ियां चढ़ो, अगर चढ़ पाओ तो फ्रेल्टी के चांस कम हो जाते हैं। अगर आप फर्श पे बैठ जाओ, फर्श के बैठ के उठने के लिए आपको 30 सेकंड से कम लगे, तो फ्रेल्टी के चांस कम है। प्लीज
ए वर्ड ऑफ कॉशन, ये जो स्क्रीनिंग का मेथड है खुद मत करिए, उसकी किसी के सामने करिए जो कि असेसमेंट कर सके कि आपने सही तरीके से कर पाए हैं। सपोज आपके घुटने पे छोटी सी चोट लगी हुई है तो आप उठ के बैठ नहीं पाएंगे, तो आप समझेंगे मुझे फ्रेलिटी होगी। सो डोंट पैनिक, दिस हैज टू बी डन इन ए स्क्रीनिंग मेथड बाय समबडी हु नोज हाउ टू डू इट, बट वी कॉल दिस ए होम टेस्टिंग, क्योंकि ये घर पे की जा सकती है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। देन देयर आर अदर मेथड्स, आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज इट रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल हेल्प। सो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम फ्रेल्टी का हमें पूरा शक पड़ता है? लॉस ऑफ 4.5 किलोस ड्यूरिंग पास्ट ईयर विदाउट एनी एफर्ट टू लूज वेट, एग्जॉशन फॉर मोर देन 3 days इन अ वीक, ग्रिप स्ट्रेंथ, आपका जो पकड़ है उसका जो एक पुराना, एक रेलवे स्टेशन के बाहर एक मशीन होती थी उसको हम पकड़ते थे ऐसे खींचते थे तो टिंग मशीन का आ जाता था जब, लेकिन आजकल देर इज ए सिंपल मशीन विच कैन यू कैन यूज एट होम, वो ग्रिप कितना टाइट है, अगर 10 किलोग्राम से कम है तो यू हैव फ्रेल्टी। देन अगर आप सडनली एक अच्छे खासे फिट एल्डर पर्सन को आप सडनली नोट करते हैं कि वो चुप हो गए हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन मूड ठीक है लेकिन दे प्रेफर टू कीप क्वाइट, दैट ऑल्सो शुड बी सस्पिशन ऑफ फ्रेल्टी। अब किसको ये चेक करना चाहिए, हु शुड गेट चेक फॉर फ्रेल्टी? आज की तारीख में एनीबडी अबाउट द एज ऑफ 70 शुड गेट ए स्क्रीनिंग फॉर फ्रेल्टी। क्यों? अगर आपको फ्रेल्टी है तो आपको चांस ऑफ फॉलिंग ज्यादा हो जाएगा एंड वो सारे कॉम्प्लिकेशन जो फॉल के हैं आपको आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। सो नाउ फ्रेल्टी इज ए कंडीशन जो कि नापी जा सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन क्वांटिफाई कि सो मच फ्रेल्टी, देयरफॉर सो मच परसेंट चांस ऑफ फॉलिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन फ्रेल्टी के लिए केवल ये स्क्रीनिंग मेथड काफी नहीं होगा, हमने आपको रिकमेंड करना है कि ये तो हमने देख लिया, इसको अब ठीक कैसे करना है। तो जब हमने ये टेस्ट करते हैं उसके साथ में आपकी जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। इन द फॉल प्रिवेंशन वी चेक फ्रेल्टी, वी चेक फॉर अदर एसोसिएटेड डिजीजेस एंड देर आर जो कुछ चार्ट्स बने हुए हैं उन चार्ट्स के साथ हम चेकअप कर लेते हैं। एंड लास्टली फ्रेल्टी को ठीक करने के लिए एल्डर्स के अंदर दो चीजें हो जाती हैं, एक एल्डर्स के दांत कमजोर हो जाते हैं, दूसरे बहुत सारे एल्डर्स वेजिटेरियन हो जाते हैं, दे स्टॉप ईटिंग एग एंड मीट। इन दो की वजह से न्यूट्रिशन कम हो जाती है और एल्डर्स में सबसे कॉमन दो चीजें कम होती हैं, एक हीमोग्लोबिन 10 या 11 होने के बावजूद सीरम का आयरन कम हो जाता है, बॉडी का लोहा कम हो जाता है, एंड सेकेंड सीरम B12, बी कॉम्प्लेक्स नहीं, बी कॉम्प्लेक्स में सीरम B12 210 होता है। अभी माता जी का आई थी परसों, उनका B12 89 था और वो इतनी मतलब हिलना चुलना इतना कम हो गया था क्योंकि उनकी तारों की जो उनके हमारे अंदर वायर्स होते हैं उनकी ताकत कम हो जाती है एंड दैट लीड्स टू फ्रेल्टी एंड फ्रेल्टी लीड्स टू चांस ऑफ फॉलिंग एंड फॉलिंग लीड्स टू ए हिप फ्रैक्चर एंड इन 6 months द लेडी विल डाई ओनली बिकॉज B12 डेफिशिएंसी। सो रिमेंबर फ्रेल्टी उसकी असेसमेंट कर सकते हैं और फ्रेल्टी का इलाज भी है। देन आई मेंशन्ड अबाउट गेट गुनिया, तो चलने का तरीका घुटने की हड्डी घिसने की वजह से बतख की तरह हो जाता है। आप कई एल्डर्स को देखेंगे ऐसे ऐसे चलते हैं, सीधे नहीं चलते ऐसे ऐसे चलते हैं, उसकी वजह से इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉल
और जैसे हम फ्रेल्टी का इलाज कर सकते हैं उसी तरह गेट की कमियों का भी इलाज किया जा सकता है। दे कैन बी चेंज। और गेट आप किसी कमरे में कोई एंटर करते हैं एल्डर, देखते सार आपको पता लग जाता है कि ये गेट इनका खराब है, बुनिया खराब है। सो इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट दैट गेट इज खराब। और वार्निंग क्या है हमारे कंट्री में, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो जी बुढ़ापे में तो ऐसे ही चलना पड़ता है। नो, वेरी स्ट्रांगली मैं इसको कहता हूं, नो, इट इज ए प्रॉब्लम जो कि आपकी लाइफ में गिरने की चांस बढ़ा रहा है। उसका इलाज बहुत आसान है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और जब हमारा गेट टेढ़ा हो जाता है तो कभी ये मसल्स दोनों जो है आपस में बराबर में सिंक्रोनाइज नहीं होते, उनको आपस में पता नहीं कि मैंने कब ढीला होना और मैंने कब टाइट होना है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जब आपको जरा सी ठोकर लगती है तो जब आपने अपने आप को संभालना होता है तो ये मसल काम नहीं देते। आप देखेंगे एल्डर्स कई दफा एक दरी के ऊपर पैर रखने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, एंड दैट मेक्स देम एट हाई चांस ऑफ फॉलिंग डाउन। ये भी मसल डिफरेंस इन मसल सिंक्रोनाइजेशन अगेन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर फॉलिंग डाउन। एंड वाई, क्योंकि वो आपको बचाता नहीं है, इट डजंट सेव यू। सो आस्ते जब, दैट इज वाई दे स्टार्ट वॉकिंग स्लो, ताकि जब स्लो चलते हैं तो वो मसल को समय देते हैं रिलैक्स होने के लिए। और इसीलिए जैसे ही वो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं वो गिरने के डर से, आप देखेंगे फटाफट कहीं ना कहीं पकड़ेंगे, किसी को पकड़ेंगे। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि अंदर से आवाज आती है कि मैं गिर सकता हूं या गिर सकती हूं। सो द फियर ऑफ फॉलिंग इज नॉट ए रॉन्ग फियर, इट इज ए जेन्युइन फियर। अंदर से कुदरत आपको आवाज देती है। अब एसोसिएटेड कंडीशंस कौन सी हैं जो कि आपके चांस, गिरने के चांस को बढ़ा देती हैं? दे आर एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डी के अंदर एक सरिया होता है और एक हमारा जो मिक्सचर होता है, जैसे छत में सरिया और मिक्सचर होता है, तो अगर सरिया कमजोर हो जाए तो हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नंबर और जो प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीवेट करती हैं, हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस की वजह से भी हमें फॉल होने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर थ्री इज विजन। विजन मतलब मेरे को देखना तो ठीक आता है, लेकिन अगर मैं सीधा देख रहा हूं तो मुझे यहां पे भी नजर आता है कि यहां कौन खड़ा है, इधर भी नजर आता कौन खड़ा है, लेकिन अगर ये विजन छोटी हो जाएगी तो मुझे गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब हम फॉल्स का रिस्क लेते हैं, हम फ्रेल्टी चेक करते हैं, हम गेट चेक करते हैं, हम विजन चेक करते हैं, हम हियरिंग चेक करते हैं। सो दीज आर दी वेज टू फाइंड आउट योर रिस्क ऑफ फॉलिंग, दीज आर दी मेथड्स। एंड दैट इज हाउ, इन समरी आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हम पहले पेशेंट एल्डर की हिस्ट्री लेते हैं, उसकी दवाइयां क्या चल रही हैं, उसका फ्रेल्टी चेक करते हैं, उसका गेट देखते हैं, उसका मसल की ताकत को देखते हैं, विजन को चेक करते हैं, हियरिंग को चेक करते हैं। आप कहेंगे कि सुनने के साथ फॉल का रिस्क कैसे बढ़ जाता है? जब आप चल रहे हैं, अगर आपकी विजन 20% कम होगी और आपकी आवाज सुनने की क्षमता भी कम होगी, दोनों कंबाइन कर दीजिए और आप सड़क पर चल के देखिए, आप 100% गिरेंगे। सो यू मस्ट नो कि आपकी हियरिंग कम हो गई है। एंड लास्टली एनी ब्रेन डिजीज, जो चक्कर आते हैं जिसकी कान की वजह से, हार्ट की बीमारियां जो धड़कन लाती हैं, दे ऑल मेक यू एट रिस्क फॉर फॉलिंग। सो देयरफॉर आई कंक्लूड हियर एंड आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। फॉलिंग इज ए हाई रिस्क एंड इट इज प्रिवेंटेबल एंड इट इज मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हैं कि मुझे गिरने के कितने चांस है। एंड इसको मैनेज करने के लिए आप खुद नहीं कर सकते, एंड दैट इज वेयर
अंतारा एक वॉकिंग स्टिक, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉकिंग स्टिक, उसको लेने का सही तरीका भी लोगों को नहीं आता। अगर दाहिने पैर में दर्द हो रहा है तो वॉकिंग स्टिक लेफ्ट हैंड में ली जाती है, इट इज इन द ऑपोजिट हैंड। सो नाउ देयर आर न्यू गैजेट्स। अगर आपको डायग्नोज हो गया कि आपको लेफ्ट लेग में मसल कमजोर है, आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, पर जब तक वो एक्सरसाइज करेंगे, आपको गैजेट्स अंतारा ने निकाले हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे आपके चांसेस ऑफ फॉलिंग को कम करने के लिए। उन गैजेट्स को प्लीज बगैर हेजिटेशन के यूज करिए, ताकि यू कैन इंप्रूव, डिक्रीज योर चांस ऑफ फॉलिंग एंड लिव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट हैविंग फियर ऑफ डूइंग योर डेली वर्क और हैव फियर ऑफ गोइंग आउटसाइड। So with these words, I thank you all for your listening and welcome any questions, suggestions or clarification. Ji, Vinod ji, unmute kar liye. I can't hear you. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बहुत अच्छा सारा सब्जेक्ट था और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी एज सेक्टर के लिए, क्योंकि मैं 70 प्लस हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये इन चीजों जो आप बताते हैं कि हम कहाँ जाके इन चीजों को टेस्ट करवाएं, जो हमारे को ये फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? आम आदमी के पास जाके, आम डॉक्टर के पास ये फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो हमें बार बार, मैं आपको 3 सेशन में रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि मेरे को जी या मैं इसका मेरे ख्याल श्वेतांग, इफ यू आर ऑनलाइन, श्वेतांग सर, आई एम ऑनलाइन, मोहित दिस साइड प्लीज। यस मोहित, वेलकम। सो मोहित, द क्वेश्चन व्हिच एवरीबॉडी इवन लास्ट टाइम वाज आस्किंग, कि नाउ दैट दे आर लाइक मिस्टर विनोद इज मोटिवेटेड इनफ दैट ही वांट्स टू गेट टेस्ट, सो इसी वेबिनार्स में वी शुड आइडेंटिफाई ए प्लेस वेयर दे कैन कम फॉर ए चेकअप, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉलो अप। सो इफ यू कैन, so yes sir, we will try to organize and coordinate, and maybe we will send across to, you know, to the larger audience that when we can do that. Thank you so much. Right, Vinod ji, I think Mohit hamare colleague hain jo in charge hain, and yes, but he is assured ke they will identify a place, aur jis tarah aapko is webinar ki information aayi hai उसी तरह कहां आप आ सकते हैं चेकअप के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा। टिल सच टाइम जब तक कि हम कोई प्लेस ना आइडेंटिफाई करें, आई रिक्वेस्ट मोहित इफ वी कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन ओपीडी, अगर एक्सक्लूसिवली जैसे विनोद जी आपने कोई डिस्कस करना है, हम आपको टाइम स्लॉट दे सकते हैं कि उस टाइम पे आके वी कैन, आई कैन डिस्कस विद यू इंडिविजुअली एंड टेल यू कि ये चीजें आती हैं। आई विल सजेस्ट टू मिस्टर मोहित, वी कैन स्टार्ट एन ऑनलाइन ओपीडी इमीडिएटली, वी कैन ट्राई दैट। यस सर, वी कैन वर्क ऑन दैट, या राइट, दैट विल आल्सो बी अ ग्रेट हेल्प टू अस सर। बहुत अच्छा है, हम आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि जी एज हो गई है वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपके वो एग्जांपल अभी तक याद रखता हूँ, आपकी अपनी मदर का एग्जांपल, कि मैंने खुद टेलीफोन करके लुधियाना में डॉक्टर को बोला था कि तू क्यों नहीं करना चाहता, ये एज को क्यों देखता है, वो चीज बड़ी मोटिवेटेड है। तो आज वो चीज को देखते हुए हम चाहते हैं कि अगर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रखता हूँ, अगर मेरे थोड़े नीज कमजोर है, मेरे को एक डॉक्टर कहता है कि अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चलने से हिच करता हूँ, मेरे को डर लगता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं चलना पड़ेगा, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ने को हिच करता हूँ, तो मेरे अंदर एक स्टैग्नेटी आनी शुरू हो गई कि मैं बाहर जाना कम कर दूं। तो मैं डॉक्टर को बोला कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना चाहता हूँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट सर्जरी की है तो यू गिव द कंसेंट, मैं इसको लेके घर बैठ जाऊं, तो मेरे बाकी भी अंग जो है वो कमजोर होते जाएंगे। 100% एब्सोल्युटली, दैट इज द कांसेप्ट, कि अगर आपका एक अंग आपने निग्लेक्ट किया, अगर आपने घुटने छोड़ो, आपने हियरिंग निग्लेक्ट की, वो सारे बॉडी पे असर करेगी। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी जी, एब्सोल्युटली, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ
फोकस क्वालिटी है, क्योंकि आपने अभी 100 साल तक जीना तो कैसे जीएंगे। दैट्स राइट, आई रियली अप्रिशिएट सर। मैं आपका कोई प्रोग्राम मिस करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को जगह मिले, मैं आपको मिलके जो बात डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स प्लीज। So if we have no questions, I think Mohit, if it's anything would you would like to say, or we can close? No, I think sir, from the side, just wanted to say you thanks. I think your sessions are always, you know, very inspiring, encouraging, and I think it has been great honor where, you know, you are, you know, building together to a cause, and this was a very interesting topic, and I'm sure the audience themselves has gone through that, and we are building together to create awareness around that, and good feedback also taken. So thank you everyone, thanks the entire audience here, and thank you Dr. Saab. Thank you, and I think you are always inspiring and encouraging. Thank you so much. Thank you, always available to you. Thank you. Thanks a lot, sir. Thanks. Thank you so much.